गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी इंग्लिश की क्लास सेकंड की ऑनलाइन क्लास है। इसमें हमारा टॉपिक है स्पेलिंग्स। हमने पिछली क्लास में भी स्पेलिंग्स ही पढ़ी थी और आज हम यू से लेकर जेड तक स्पेलिंग्स पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने के से लेकर टी तक स्पेलिंग्स की थी और आज उसके बाद यू से लेकर जेड तक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, U for umbrella, UMBRELLA umbrella। और U for क्या होता है, अगली भी होते हैं UGLY अगली क्या होता है, गंदा बदसूरत। umbrella क्या होता है, छाता। यू फॉर यूनिफॉर्म भी होता है UNIFORM यूनिफॉर्म। जो आप स्कूल की यूनिफॉर्म स्कूल में जो आप पहन के आते हो वो क्या होती है, यूनिफॉर्म। ओके, किसी भी स्पेशल फील्ड की अपना एक ड्रेस होती है जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। वी फॉर वैन, वी फॉर वल्चर, वल्चर VULTURE वल्चर क्या होता है, गिद्ध। एक गिद्ध वैन वल्चर। वी फॉर वैन, वी फॉर वल्चर और वी फॉर वेन। वेन क्या होता है, व्यर्थ बेकार। व्यर्थ की जगह हम बेकार भी लिख सकते हैं, मतलब कि मान लो कोई अपने कुछ काम करते हैं, उसको काम का कोई अपने को हमने जिसके लिए वो किया था उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो कहते हैं कि ऑल वेन, मतलब खराब व्यर्थ हुआ, वो बेकार हुआ। वल्चर, गिद्ध, वैन, जैसे स्कूल वैन स्कूल में आने के लिए या कहीं वैन गाड़ी होती है। W फॉर वॉच, वॉच मतलब घड़ी, हाथ पे पहनने वाली घड़ी। W फॉर वॉच, W फॉर वेट, वेट भी होता है, वेट होता है गीला। वेट क्या होता है, गीला। और W फॉर होता है विंटर, विंटर क्या सीजन का नाम है, विंटर मतलब सर्दी, ठंड, ठंड का मौसम। वॉच, वेट, विंटर। और एक्स का क्या होता है, एक्सरे, एक्समस। और जेलोफोन, वाई फॉर याक, वाई फॉर यंग। याक एक एनिमल का नाम है, यंग मतलब होता है जवान। वाई फॉर यस, यस भी होता है, यस किसी को पता है, जैसे मान लो कोई अपने से कुछ पूछ रहा है तो अपने कहते हैं हाँ हमें इस बारे में पता है, तो उसके लिए कहते हैं यस। और लास्ट हम करेंगे जेड, जेड फॉर हमें पता है जेबरा होता है, एनिमल है। जेड फॉर जेबरा, जेड फॉर जू भी होता है, जू होता है चिड़ियाघर जिसमें अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, जू चिड़ियाघर। और जेड फॉर झील भी होता है, झील, ZEAL झील मतलब होता है जोश, जोश या उत्साह। जेड फॉर जेब्रा, जू और झील। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा स्पेलिंग्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप सभी को अपनी कॉपी नोटबुक में ये करनी है, सब में लर्न भी करनी है इनको।
ओके।